अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम आपको मटर पुलाव बनाना बताते हैं, जिसके लिए हमने एक बड़ा पतीला लिया है और उसमें हमने तेल ऑलरेडी गर्म कर लिया है। और ये देखिए हमारे सारे मिक्स मसाले हैं, आप देख सकते हैं गर्म मसालों में क्या क्या चीज़ें हैं ये। और इनको हम तेल में डाल देते हैं, तेल या घी या रिफाइंड जो भी आप लेना चाहें वो आपकी मर्ज़ी। ये हमारा 1 टीस्पून सौंफ, साबुत डाल रहे हैं हम इसे, चाहें तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं आप। और इनको एक अच्छी से खुशबू आने दीजिए। फिर उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें एक अनियन कटी हुई, और इसको हम ब्राउन कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे अपनी कुछ हरी मिर्चें जो हमने बीच में से चीर ली हैं, और ये हमारी मटर। अब इनको इस सब चीज़ों के साथ में अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मटर हमारी हो चुकी है। ये डाल रहे हैं हम अपना लहसुन का पाउडर, चाहे तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डाल रहे हैं पानी, एक बड़ा बाउल पानी डाल रहे हैं हम, क्योंकि हमने एक बाउल ही राइस लिए हैं, राइस हमने 1 घंटा पहले भिगा दिए थे। अब इस पानी में बॉयल आने देते हैं। ये देखें अब इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम अपने राइस जो हमने ऑलरेडी पहले से ही भिगा के रखे हुए थे और उनको निचोड़ लिया है। ये देखें सारे हमने इसमें राइस डाल दिए हैं। अब इसमें हम 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और डालेंगे इसमें नमक ज़रूरत के मुताबिक, जितनी हमें ज़रूरत है। ये देखें और इनको सब चीज़ों को अब अच्छे से हम चला देंगे और कवर कर देंगे। अब इसमें हम आने देते हैं एक उबाल। ये देखें चावल हमारे आ चुका है, पानी इसमें चावल के लेवल में आ गया है। अब इसको हम हल्का सा चला देंगे। इसको राइस किसी भी तरह का बनाएं आप, उसको बार बार चलाना नहीं है, सिर्फ 1 या 2 बार ही चलाएं। ये देखें हमारे राइस कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। इसमें हम डाल रहे हैं अपना फूड कलर, ये देखें। इसको आप जिस तरह से जैसे डालना चाहें या आपकी मर्ज़ी। ये देखिए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल किचन विद रिहाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। शब्बा खैर।